दोस्तों अभी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक फ़ोटो एडिटिंग मैंने किया हुआ है अपना फ़ोटो, और भी यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एक फ़ोटो है सामने में और साइड में देख सकते हैं एडिटिंग फ़ोटो है। तो इस तरह का एडिटिंग जो है कैसे किया जाता है, इस तरह से फ़ोटो एडिटिंग कैसे किया जाता है हम आपको बताने वाले हैं, और आप 2 मिनट के अंदर में इस तरह का फ़ोटो एडिटिंग कर पाएंगे और कहीं भी पोस्ट कर पाएंगे, तो जो कि बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो इस तरह का फ़ोटो एडिटिंग कैसे किया जाता है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप ज़रूर सीख जाएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, और वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं आपको। इस तरह का वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर चले जाना है। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, फोटो लैब एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको अलाउ का ऑप्शन आएगा, आप इसको अलाउ कर देंगे। उसके बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आप देख सकते हैं टॉप ट्रेंडिंग रिसेंट, तो यहाँ पर ट्रेंडिंग ऑप्शन है, इसी पे आपको रहना है। और नीचे आपको स्क्रॉल आउट करते जाना है, स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको यहीं पर जो है नीचे में वो मिल जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, आपके सामने में मैं जो है स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ नीचे, देख सकते हैं तो यहाँ पर और भी दूसरा मिल जाएगा, आप उसको भी यूज कर पाएंगे। तो चलिए मैंने जो यूज करके दिखाया है आपको, एडिटिंग करके बताया है फ़ोटो, वो वाला मैं सर्च कर लेता हूँ, पहले देख लेता हूँ तो वो मिल जाएगा। उसके बाद उस पर जो है हम बताएंगे कि कैसे आपको एडिटिंग करना है। तो यहाँ पर दूसरा भी आ रहा है देख सकते हैं, और जो मैंने यूज किया है ये देख सकते हैं मिल चुका है। मैं स्क्रॉल डाउन करते गया और यहाँ पर ये वाला जो है ये लड़की वाला मिल गया। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख पाएंगे आप लिखा हुआ है बादल पी डॉट, ऐसे सर्च करने से नहीं आता लेकिन यहाँ पर लिखा है बादल पी डॉट, तो यहाँ पर आ चुका है और बताया गया है कि यहाँ पर ये फ़ोटो है और ये एडिटिंग फ़ोटो है। तो नीचे आप देख सकते हैं बहुत सारा आपका गैलरी ओपन हो जाएगा, आपको गैलरी से कोई एक फ़ोटो यूज कर लेना है। चलिए मैं अपने गैलरी से एक अपना फ़ोटो ले लेता हूँ, देख सकते हैं सेलेक्ट कर लिया, एरो पर क्लिक कर देंगे और कुछ सेकंड वेट करेंगे। यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रहा है 1 और 2, तो इस तरह से 2 जैसे ही कंप्लीट होता है तो हमारा वीडियो जो फ़ोटो जो है वो एडिटिंग हो जाएगा, ऑलमोस्ट डन हो चुका है। और कुछ सेकंड वेट करते हैं हम, और एक ऐड आ जाएगा, इसको कट कर देना है आपको, और देख सकते हैं हमारा फ़ोटो जो है एडिटिंग होकर आ चुका है। लेकिन यहाँ पर आपको एक वाटरमार्क आ सकता है इस जगह साइड में, तो वाटरमार्क पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वाटरमार्क रिमूव हो जाएगा। आपको एक ऐड देखना होगा, आप उस ऐड को देख लेंगे तो आपका वाटरमार्क हट जाएगा। मेरा तो इसमें नहीं आया, पहले आया था। चलिए मैं दूसरा कोई फ़ोटो जो है देख लेता हूँ उसमें वाटरमार्क आ रहा है क्या। तो चलिए मैंने यहाँ पर दूसरा फ़ोटो ले लिया है, आप देख सकते हैं। चलिए इसमें अगर वाटरमार्क आता है तो आपको हम बताते हैं। तो हमारे फ़ोटो में जो है एडिटिंग फ़ोटो में वाटरमार्क नहीं आया, वाटरमार्क आएगा तो इसी जगह रहेगा, फ़ोटो लैब लिखा हुआ रहेगा, आप उस पर टैप करेंगे तो वहाँ पर ऑप्शन आएगा, आप उस ऑप्शन पर क्लिक करके आप ऐड देख लेंगे पूरा 30 सेकंड का, तो आपका जो है वाटरमार्क हट जाएगा। उसके बाद सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर 3 डॉट है साइड में, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, सेव टू डिवाइस करेंगे, सेव टू डिवाइस जैसे ही करेंगे, और हाँ दोस्तों देख सकते हैं फ़ोटो लैब यहाँ पर आ चुका है। जैसे ही सेव करने जाएंगे तब आपको यहाँ पर आएगा फ़ोटो लैब, यहाँ पर वाटरमार्क आ चुका है। चलिए अब इस पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे नॉट नाउ पे क्लिक कर देंगे, नॉट नाउ पे क्लिक करने के बाद यस कर देंगे, और देख सकते हैं 30 सेकंड के एक ऐड आ चुका है। इस ऐड को आपको पूरा वॉच कर लेना है, उसके बाद जो है आपके फ़ोटो से वाटरमार्क रिमूव हो जाएगा। तो देख सकते हैं ऐड ख़त्म हो चुका है, चलिए कट कर देते हैं, और देख सकते हैं हमारे फ़ोटो से वाटरमार्क रिमूव हो चुका है। अब डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, आपको सिंपली डाउनलोड पर क्लिक कर देना है, आपके गैलरी में ये सेव हो जाएगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ, और देख सकते हैं हमारे गैलरी में ये फ़ोटो जो है सेव हो चुका है, और कुछ इस तरह से जो है आप फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता दिया है, आपको इंस्टॉल कर लेना है और ये सर्च करके इस तरह का फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे और आप भी कुछ नया सीखते रहें। धन्यवाद।